अली शाहनवाज है। मैं इस केस का एक ऑफिस से मैं एडवोकेट हूँ कि हमारे ऑफिस से एक केस आया था और ये ऑफिस से हम लोग देखे हैं, सर्वे नंबर 57 और ज़मीन है ये 2662 गज और जुमला। इस ज़मीन में, इस ज़मीन का ताल्लुक गौसिया बेगम जिन्होंने अपने ही दामाद से ये ज़मीन ख़रीदे थे और वाइफ ऑफ मोहम्मद उमर बिन अलजाबरी है। और इस ज़मीन को एक चीटर जिसका नाम अफरोज सुल्ताना है और वो तीन नोटरी किए हैं जिसके नाम है, मैं आपको बतलाता हूँ, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल कफील। ये तीन नोटरियाँ हुए हैं जिन्होंने ये तीनों मिलकर एक दो जनों के नाम पर ये रजिस्ट्री किए हैं जिनका नाम है मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी और मोहम्मद अकबरुद्दीन। ये दोनों ने मिलकर इस ज़मीन को बिल्डिंग बनाए हैं, सात बिल्डिंग, जिसमें पांच बिल्डिंग के लिए हम कोर्ट को अप्रोच हुए, कोर्ट से हम ऑर्डर लेकर आकर एक बिल्डिंग को तोड़ाने के लिए बल्दिया में कोशिश किए। बल्दिया ने एक पांच बिल्डिंग को डिस्टर्ब की और दो बिल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं किया ये बल्दिया वालों ने। और इसके बाद जब हम बल्दिया को बतलाएं कि ये हमारा कोर्ट ऑर्डर है, ये हमको जजमेंट मिला हुआ है, आप इसके लिए काम कर रहे हो, बल्दिया ने हमारी कोई बात को सुनना नहीं चाहिए, हाँ हाँ बोलकर हमको बल्दिया ने वक्त को गंवाने लग गई। और उस पर जब ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो रहा है तो इसके पीछे ना तो पुलिस हमारी मदद कर रही है ना तो ये बल्दिया वाले ये बात को डिले करना चाह रहे हैं और ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। इस तरह के काम तो होना नहीं चाहिए, इसके लिए पुलिस और जुडिशियरी और बल्दिया जो भी है नेसेसरी एक्शन इन टाइम लेने से बेहतर होता है, बाद में फिर इससे न्यूसेंस भी पैदा हो सकता है। ये रहीमुद्दीन अंसारी कौन है और इनका क्या रोल है इस लैंड में? ये रहीमुद्दीन अंसारी साहब इस ज़मीन को ख़रीदे हैं, एक लैंड ग्रैबर जो अफरोज सुल्ताना ने ये तीनों को बेचा, ये तीनों से लिए, जिसका ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट्स है ना कोई लिंक्स के अंदर जान है, ये एक नोटरी है। ये ज़मीन अपने शुराम पल्ली पे के बाजू, अखिल साहब के मदरसे के बाजू की ज़मीन है जिसका कांटेधन इसका विलेज है और अपने कांटेधन विलेज है, क्या नाम है इसका, आप लोग बोलते हैं कोर्ट से आपके पास आपके फेवर में डिग्री है गौसिया बेगम की जी, उसके बावजूद बोलते हैं जी एजेंसी सात में से पांच बिल्डिंग की रही, दो बिल्डिंग नहीं गिराई। इसके खिलाफ में आप लोग जी एजेंसी और पुलिस या जो भी एक्सपर्ट डिपार्टमेंट इसमें उनके खिलाफ में आप हाईकोर्ट में कुछ कंप्लेन करें क्या? हाँ, हाई कोर्ट में कंप्लेन किए हुए हैं, करने से हाई कोर्ट का ही जजमेंट हमको मिला हुआ है और फिर हाई कोर्ट का ही जजमेंट हमको मिला हुआ है। इस तरीके के नामों में इन्वॉल्व ये रहीमुद्दीन अंसारी कोई मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू एकेडमी के कुछ सदर है, इस तरह का है। खैर, हम भी उनको नहीं पहचानते हैं क्योंकि हम एडुकेट हैं तमाम ये चीज़ों का, वो नहीं, जो केस आता है उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। अभी प्रेजेंट में आपके पास डिग्री रहने के बावजूद फिर आप मीडिया से अप्रोच हो रहे थे, अब प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? हमारा प्रेजेंट ये प्रॉब्लम है जो बल्दिया हमको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रही है, खाली बुलाती है और टलाती है हमारे लोगों को। तो अभी कंस्ट्रक्शन रुके हुआ है या नहीं? कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंडम ऑफ द कोर्ट करे हुए हैं तो आरटीए में भी डाले हुए हैं हम जी, पांच बिल्डिंग तोड़ा है। हाँ, और दो बिल्डिंग बाकी, बिल्डिंग अब फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वही उसको कंस्ट्रक्शन हो रहा है और दो बिल्डिंग वैसी है उसको भी वो कर रही है। तो आप जी एजेंसी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कुछ कोर्ट में एक्शन देंगे क्या? अभी देखेंगे, इसके बाद नहीं होने पर हम कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करेंगे, जाएंगे कोर्ट, अप्रोच होना है, सिर्फ हमको जरिया कोर्ट का ही होता है, कोर्ट से काम करेंगे हम। कहीं ना कहीं कोई साजिश तौर पे ये लैंड ग्रैबिंग करके, ये शहर में ऐसे कई लैंड ग्रैबर है जो यही तरीके से काम करते हैं।